now we are going to discuss ethics of social reform so these social reforms are essential for the benefit of our society because all of the world is striving for better programs for their children and better services for their children better quality of the children education so these social reforms are actually conduct being conducted in different fields of early childhood for example फर्स्ट ऑफ ऑल चाइल्ड केयर जैसा हमने पहले कहा कि चाइल्ड केयर जो है वो चाइल्ड एजुकेशन के साथ ही इम्पॉटेंट है फॉर वॉट फॉर हॉलिस्टिक डिवेलपमेंट ऑफ आर चाइल्ड हम चाहते हैं हमारे बच्चे की नशो नुमा मुकम्मल हो उसका किरदार उसके अफ़ाल और उसकी स्किल्स मुकम्मल तौर पर डेवलप करें वो प्रोफेशनली भी स्ट्रांग हो वो सोशली भी स्ट्रांग हो इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग हो इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे को ना सिर्फ एजुकेशन मिले बल्कि केयर भी मिले तो बहुत से जो क्वालिटी के प्रोग्राम्स हैं अर्ली चाइल्ड हुड के वो चाइल्ड केयर को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं दूसरा एक मसला ये है कहाँ पर रिफॉर्म लानी थी क्वालिटी एंड कॉस्ट पर यानि आप देखते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ खास तौर पे अमेरिका में दो बड़े प्रोग्राम्स हैं बच्चों के लिए एक उनके डे केयर सेंटर्स हैं और एक चाइल्ड केयर सेंटर्स हैं जो डे केयर सेंटर्स हैं उनको फैमिली डे केयर सेंटर्स भी कहा जाता है ये सब चीज़ें क्यों पेश आई हमारे माशरे के मुकाबले में वहाँ पर पे वर्किंग पेरेंट्स और वर्किंग वेमेन जो हैं वो ज़्यादा हैं पिछली सदी में वो ख़ुत जो अपने बच्चों को मुकम्मल वक्त देती थी अब नहीं दे पाती क्योंकि वो काम करती हैं तो ऐसी सूरत में वो फिर इन डे केयर सेंटर्स में या अर्ली चाइल्डहुड सेंटर्स में अपने बच्चों को भेजती हैं अब वहाँ ये इशू बना कि अगर आप वो वो लोग वो स्टाफ जो बच्चों की केयर कर रहा है या उनकी तरबियत कर रहा है छोटे बच्चे जो तीन से चार साल के थे या तीन से पाँच साल के थे इन इनको हम प्री किन्नर बच्चे कह सकते हैं प्री किन्नर बच्चे जो हैं उनकी केयर करने वाले लोगों को अगर ज़्यादा वेजेस दी जाती थी तो वो बेहतर परफॉर्म करते थे और अगर कम वेजेस दी जाती थी तो वो थोड़ा परफॉर्म करते थे अब ऐसा क्या किया जाए को क्वालिटी और कॉस्ट का बैलेंस रखा जाए तो इसके ऊपर बहुत सी रिफॉर्म्स ऐसी आई हैं क्योंकि सारी दुनिया में कल्चरल डाइवर्सिटी और सोशल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है मज़हब की डाइवर्सिटी क्लास की डाइवर्सिटी रंग की वेस की नस्ल की सब डाइवर्सिटीज़ हैं और सबसे बढ़ के सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी लोगों के माली हालात एक जैसे नहीं कुछ लोग गरीब घरानों से बल्कि आजकल तो जैसे जैसे क्राइसिस बढ़ते जा रहे हैं जंगे हैं वॉर्स हैं आपने देखा है बहुत से क्राइसिस जो हैं बच्चे खास तौर तो पर उनसे मुतासर होते तो वो इस तरह से फिर वो कॉस्ट जो है वो पूरी नहीं कर पाते अब अगला जो हमारा पॉइंट है वो इसी से रिलेटेड है नेशनल क्राइसिस का कि देखें हर मुल्क के अंदर जब भी कोई क्राइसिस आता है फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे मुल्क में पिछले दिनों सैलाब आया या कुछ जल्जले आए तो आप हैरान होंगे कि सबसे ज़्यादा मुतासर बच्चे हुए उनकी तालीम छूट गई उनकी खुराक पे असर हुआ बहुत से बीमार हुए और अफसोस की बात है कि बहुत सी अमवात भी हुई तो एक नेशनल क्राइसिस जो है जिसका हमारे आया है इसी तरह जैसे अमेरिका में आया था ऑस्ट्रेलिया में कुछ इस तरह के हादसा हुए तो लोगों की और तवज्जो गई कि वो बच्चों पे पहले से ज़्यादा तवज्जो मबजूल करें तो उन्होंने सोशल रिफॉर्म के लिए सोचा इसी सिलसिले में नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड की एक तहरीक जो है जिसको हम एन सी एल भी कहते हैं वो उन्होंने शुरू की उनका ख्याल था कि एजुकेशन रिफॉर्म के थ्रू इन सारे बच्चों को स्ट्रीम में लाया जाए इन पर बराबर की तवज्जो दी जाए वो जो गरीब हैं जिनके पास रिसोर्स नहीं हैं या एक्सेसिबिलिटी नहीं है उनको भी अहातए तालीम में लाया जाए और इसके साथ साथ एक तो ये कि वो सोशियो डिफरेंट सोशियो इकनॉमिक बैकग्राउंड से जो तशरीफ़ लाए हैं उनको हम अच्छे तरीके से डील करें इसके अलावा उनकी जहनी सलाहियत और उनकी अपनी जो काबिलियत है उसके मुताबिक उनको तालीम दी जाए तो गोया हमारा नारा यह था कि किसी बच्चे को पीछे नहीं रहना चाहिए तो इसके लिए क्या किया जाए उन्होंने यूनिवर्सल प्री स्कूल इसके लिए शुरू किया है पूरी दुनिया के अंदर अभी जैसे हम आने वाले जो कोर्स में उसमें आपको जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान में ई सी ई का आगाज़ कब हुआ तो उन्हीं में से यूनिवर्सल प्री स्कूल है कि भाई किंडर जाने से पहले जो बहुत छोटा बच्चा है तीन से चार या पाँच साल का उसको भी तरबियत की ज़रूरत है उसको भी अच्छे रिसोर्स की ज़रूरत है इसलिए पूरी दुनिया में एक तहरीक जो सोशल रिफॉर्म सब सामने आई वो यूनिवर्सल प्री स्कूल की थी